हरे कृष्णा राधे राधे। आज के इस वीडियो में मैं सभी भक्तों को बताना चाहूँगा कि आप अभी वृंदावन की यात्रा पर जा सकते हो। क्या आप वृंदावन में जाकर सभी मंदिरों के दर्शन कर सकते हो? तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लेवे, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, और बगल की घंटी को भी जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी भक्त वृंदावन जाना चाहते हैं और सभी मंदिरों के दर्शन करना चाहते हैं, जैसे कि बांके बिहारी, प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर, वहाँ पर अनेक मंदिर हैं, तो क्या उनके दर्शन कर सकते हो? मैं यहाँ पर आप सभी भक्तों को बताना चाहूँगा कि आप अभी वृंदावन ना जाएं तो ही अच्छा रहेगा। अगर आपको जाना ही है दर्शन करने के लिए तो आप मथुरा जा सकते हो, गोवर्धन पर्वत जा सकते हो, बरसाना जा सकते हो, नंदगांव जा सकते हो, परंतु वृंदावन नहीं जाए, नहीं तो आपको पछतावा हो सकता है, क्योंकि वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर भी अभी बंद है, इस्कॉन मंदिर भी अभी बंद है, और निधिवन भी बंद है, और प्रेम मंदिर भी बंद है, तो वहाँ पर ऑलमोस्ट सभी मंदिर बंद है, तो वहाँ पर ना जाए तो ही अच्छा रहेगा, अन्यथा आपको निराशा होकर वहाँ से लौटना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते हुए अभी वहाँ के सभी मंदिर बंद हैं। वैसे तो प्रशासन ने मंदिर खोलने की पूरी अनुमति दे दी है, परंतु वहाँ के गोस्वामियों ने मंदिरों को बंद किया हुआ है ताकि कोरोना वायरस वहाँ पर फैले नहीं। तो आप वृंदावन बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि आपको वहाँ पर रूम लेने में भी परेशानी हो सकती है, हो सके तो आप बिल्कुल भी ना जाए। आप गोवर्धन जाइए, परिक्रमा कीजिए, क्योंकि गोवर्धन पर परिक्रमा आप आराम से कर सकते हो। राधा रानी के मंदिर जाइए बरसाना, नंदगांव जाइए नंद बाबा के मंदिर, वहाँ पर आप आराम से जाकर दर्शन कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ ही समय में वृंदावन भी ओपन हो जाएगा, शायद अक्टूबर तक वृंदावन ओपन हो जाएगा, फिर अक्टूबर में आप वृंदावन जा सकते हो, बांके बिहारी जी के दर्शन कर सकते हो, प्रेम मंदिर के दर्शन कर सकते हो। परंतु अभी 100% नहीं बोल सकते हैं कि अक्टूबर में भी चालू होगा कि नहीं, परंतु 99% चांस है कि अक्टूबर में वृंदावन ओपन हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।